भाई तू बेकार में ही डरता है। वो लड़की तुझे पसंद करेगी, तीन कारण बता सकता हूँ। पहला बोल। तेरे बाल चिड़िया जैसे हैं। हमारे पूरे गांव में तेरे जैसे बाल किसी के नहीं है। ऊपर से तू शहर में पढ़ाई करता है। और बस इतना ही नहीं, तू इस गांव का होने के बाद भी तुझे यहाँ की भाषा नहीं आती। लेकिन इंग्लिश अच्छी बोल लेता यार। उस लड़की को पटाने के लिए तुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे डर लग रहा है यार। मैं भी समझ सकता हूँ, उसके चाचा हमारी टीम के कोच हैं, ये सोचकर मुझे भी डर लगता है। अब तो कुछ करेगा भी। ए, तुम्हारा भाई भी कंपटीशन में खड़ा है। ए, अबे वो मुझसे छोटा है यार। मेरे भाई, ये नया स्टाइल है। आजकल लड़कियां अपने से कम उम्र के लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं। देख, लात खाने वाली बात मत कर। मैं तो मजाक कर रहा था यार। अभी वो लड़की आएगी, वो तुमसे अकेले में बात करने के लिए बुलाएगी। क्यों? हमारे गाँव की लड़कियाँ जब अकेले में बात करना चाहती है तभी समझ आ जाना चाहिए। बोल देना तेरा बर्थडे है, मेरी बात मानेगा तो तेरा काम आराम से बन जाएगा। हे कंसंट्रेशन। बोलो भाई। जाओ देखो लड़की आई कि नहीं। ठीक है भाई। पता नहीं क्यों उस गोरी लड़की के पीछे पड़ा रहता है। मैं आज तक एक भी लड़की नहीं पटा पाया और इसे लड़की पटाने के तरीके सिखा रहा हूँ। भाई भाई, वो लड़की आ रही है। देखो आप, वो लड़की यहाँ आएगी। यार हम लोग वहां जाकर छिप जाते हैं, जितना कहा उतना ही करना, ठीक है? चल मेरे बेटे, हम वहां छुपते हैं। चलो शुक्र है, कम से कम आज तो तुम अकेले हो, वरना हमेशा वो काला बंदर तुम्हारे साथ ही रहता है। मैं और काला बंदर? हे, तुम उस लड़के को काला बंदर क्यों कहती हो? ए, देखा ना, वो लड़की मुझे पसंद करती है। वो तो काले बंदर से भी बदतर है। ए, चुप रह, अब जा। ठीक है, जो करना है करो। मेरी बेइज्जती कर दी। हैप्पी बर्थडे रघु। आपको कैसे पता चला? सिर्फ तुम्हारा नाम ही नहीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें देखने के लिए ही ग्राउंड में आती हूँ। कुमार ने मुझे बताया था कि बचपन में ही तुम्हारी माँ गुजर गई, तभी से मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया था। उसी कमी को पूरी करने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना रघु? तुम्हें मैं पसंद तो हूँ ना? हे, कहाँ जा रहा है यार? भूल गए? आज ग्राउंड में जूनियर टीम और सीनियर टीम का ट्रायल मैच है। मुझे रेफरी बनने के लिए कोच ने बुलाया है, तुम भी चलो ना। हे, चुप रहे यार, कुछ भी बोलता है। अरे यार, तुम्हारे दोनों भाई टेंडर के सिलसिले में शहर गए हुए हैं, वो लोग कल आएंगे, अब तो कोई डर नहीं है ना? मुझे डर नहीं है भाई, लेकिन बिना मतलब के क्यों प्रॉब्लम करें? चल ठीक है, चलते हैं, ग्राउंड जाकर भी बहुत दिन हो गए हैं। लड़का तो बहुत सुपर्ब है। ये बदबू कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। अच्छा हुआ जहां नहीं गई। कैप्टन के जूते से आ रही है। ये भाई ऐसे आसन लगा के क्यों बैठा हुआ है? हाँ? क्या इसे ही
हमारे योगा में कुंडली योग कहते हैं। ये भाई एक्स्ट्रा होके भी कुंडली योग कर रहा है। हाँ? ये लोग क्या कर रहे हैं? ए, एक मैजिक दिखाऊं? हाँ, तूने भी थूक दिया। ये तो ट्रायल मैच कर रहे हैं। ये सच में ध्यान में है या मजाक कर रहे हैं? देखना पड़ेगा। हाँ? ये भाई तो सच में ध्यान में लीन हो गया। ए, दे। सुनो, बेट लगाना बड़ी बात नहीं है, जीतना जरूरी है। अगर उन्होंने एक गोल भी किया तो हमारे लिए बेइज्जती की बात है। मझले भैया भी गांव में नहीं है, हारना नहीं। आप बेकार की बात मत करो, सिर्फ हमारा गेम देखिए। हाँ, इसीलिए तो मार खा रहा था। देखते हैं। ये क्या, अभी तक ये योगा ही कर रहे हैं? ये लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? ए, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, मैच के लिए नहीं गए? नहीं सर, हम लोग टीम का इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते कोच। हाँ कोच बोलिए। अभी ये पीछे कौन बैठा है, तो इसको नमस्ते बोल रहा है, ये कौन है वे? अबे कोचू, यही आदमी सीनियर टीम का कोच है, जिसकी वजह से सीनियर टीम ने दो चैंपियनशिप जीती थी। हमारे घर में इसकी फोटो भी है। रघु के छोटे भाई हो ना? हाँ कोच। ठीक है, ए, तुम लोग जल्दी से ग्राउंड में पहुंचो। हाँ 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। ए, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। ए, चलो यार हम भी थोड़ा चलकर वार्म अप कर लेते हैं। अरे रे रे रे, इस लड़की को अभी इधर आना था क्या? अब तो गए। मुझे नहीं लगता कि आज ये गोल मार पाएगा। ए, क्या है? चल। अरे रत्ना। हाँ? चाचा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे कमाल है, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो छोटू को यहाँ लेकर आई थी। हाँ? वो भी आपके जैसा बनना चाहता है। आप वरुण को साथ में नहीं लाए? वो तो घर में बिजी है। ओ, वो भी आप जैसा ही है। पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें दवाई टाइम टू टाइम दे रही हो? आप घर वापस आ जाइए ना चाचा जी। हम सब रेडी हैं, पहले आप विसिल बजाइए। पास कर यार। हाँ, कर रहा हूँ।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुड गेम यार। अरे यार बोलो क्या yeah! अरे कैसे खेलते हो तुम लोग यार, फिर से ट्राई करते हैं यार। चलो करते रहोगे क्या? कुमार ये लो पानी पी लो। गया सब कुछ गया, आज के बाद हम लोगों को ये लोग इस ग्राउंड में खेलने नहीं देंगे। घूर क्यों रहा है तू, क्यों घूर रहा है मुझे? जितने की बात कर रहा था ना, क्या उखाड़ लिया तुमने? बोल क्या रहे तू? तुम लोग को खुद खेलने नहीं आता, मुझे बता रहा है? मुझे सब पता है। क्या ये? ए फुटबॉल प्लेयर्स हो या टपोरी हो, हर गेम खेलते समय डिसिप्लिन होना चाहिए। इस तरह आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ए जो लोग जीतने वाले के साथ होते हैं वो दोस्त नहीं होते, हमेशा ये बात याद रखना। हारते समय जो अपने कंधे देकर गिरे हुए को सहारा देते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं। ये तो सिर्फ ट्रायल मैच है, फिर इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? दरअसल चाचा जी, अगर ये लोग ये मैच हार जाते हैं तो ये लोग इस ग्राउंड में कभी दोबारा नहीं खेल पाएंगे। हाँ कुछ हमने उनसे चैलेंज किया था। तुम लोगों के बोलने से हम फुटबॉल खेलना छोड़ दे क्या? हम लोग भी यहाँ फुटबॉल खेलने आते हैं, हिम्मत है तो हमारे साथ मैच खेलो। अगर तुम लोग जीत गए तो हम लोग इस ग्राउंड में कभी नहीं आएंगे। मैंने बस इतना ही कहा था कोच। क्यों ना हम एक टीम तैयार करके टूर्नामेंट में उतरे। इस छोटी सी उम्र में इतना जोश और ये जोश और जुनून ही तुम लोगों को जिताएगा, याद रखना। जिम जाने से हाइट नहीं बढ़ेगी, रात को बाहर निकलोगे तो भूत पकड़ लेगा, ऐसे ही तुम लोगों को डराते हैं। सही रास्ता दिखाने वाला तो कोई है ही नहीं, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ हूं। फॉरवर्ड को चेंज करते हैं, स्टॉपर को स्ट्रांग बना देते हैं, गेम को फास्ट खेलो, सेकंड हाफ हमारे हाथ में है। क्या कर रहा है तू? चलो चलो चलो। We'll be right back.
फुल टाइम खत्म हो गया, हम हार गए, अब हम इस ग्राउंड में खेलने नहीं देंगे। चैलेंज करने का बहुत शौक था ना तुझे, अब तुम या तुम्हारी टीम इस ग्राउंड में दिखाई दिया ना तो तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ डालूंगा। जाओ यहां से। तुम लोग इस ग्राउंड में फिर से खेलना चाहते हो? हाँ कोच। जीतने का नशा है? बिल्कुल है कोच। हार ही जीत की पहली सीढ़ी होती है। आज से 10 दिन बाद जो फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है उसमें हमारी टीम खेलेगी, मैं तुम लोगों को कोच करूंगा। कल एक दिन के लिए अच्छी तरह से रेस्ट कर लो, उसके बाद नए सूरज के साथ और नए दिन के साथ नया सफर शुरू करेंगे। नमस्ते साहब। अरे क्या हुआ बोलो। अपने टूर्नामेंट में एक टीम और एंट्री चाहती है। हमारे गांव वालों को जरूर एंट्री मिलेगी, तुम उन्हें आने बोलो। हाँ टूर्नामेंट का शेड्यूल आ गया है। पास के अलग अलग गांव से 6 टीम्स आने वाली हैं और हमारे गांव से 2 टीम इसमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में 4 टीम, ग्रुप बी में 4 टीम। यहां सभी नॉकआउट मैचेस ही होंगे। ग्रुप ए की 2 विनिंग टीम्स और ग्रुप बी की 2 विनिंग टीम्स सेमीफाइनल में जाएगी और आखिरी दिन फाइनल मैच होगा। जो टीम फाइनल में जीतेगी उसे मिलेगा प्राइज मनी 1 लाख रुपीज और साथ में रोलिंग ट्रॉफी भी। एक बात का ध्यान रखना, तुम लोग कितनी भी मेहनत कर लो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतना जरूरी है। अगर जीतोगे तभी दुनिया कहेगी कि तुम लोगों ने मेहनत की है, नहीं तो तुम लोगों की कोई इज्जत नहीं करेगा। कल सुबह फर्स्ट मैच है, पास के गांव के चैंपियंस के साथ है। बी रेडी फॉर द वॉर।